नवरात्र पर्व प्रारंभ होते ही पूरा शहर माता की आस्था में डूबा नजर आने लगा है। वही प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की आराधना के साथ 2500 ज्योति कलश विराजित किए गए हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग के प्रसिद्ध प्राचीन चंडी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2500 आस्था के दीप प्रज्वलित किए गए हैं। साथ ही इस मंदिर से भक्तों को जुड़ी आस्था को देखते हुए दुर्ग ही नहीं देश विदेश में रह रहे लोगों के नाम से चंडी मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने दीप प्रज्वलित किए गए। एक तरफ पूरे शहर में माता रानी की भक्ति में डूबे भक्त पूरे 9 दिनों तक अपनी अलग अलग सेवा देकर इस नवरात्रि का उपवास कर माता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वहीं मंदिर में भी माता की पूजा अर्चना के साथ प्रज्वलित हुए दीपों के दर्शन कर अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। इस संबंध में चंडी मंदिर के पंडित हरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि 9 दिनों तक देवी माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है व भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मनोकामना जो है ना, अभी श्रद्धा से लोग यहाँ जो है ना माता जी में ज्योत प्रज्वलित करते हैं नवरात्र में, जिसमें 2500 ज्योत जो है ना यहाँ प्रज्वलित किया गया है। और 9 दिन जो है माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। 9 दिन जो है ना माता चंडिका का प्रतिदिन श्रृंगार जो है किया जाता है। 9 अलग अलग स्वरूपों में माता का 9 स्वरूप का पूजा होता है यहाँ पर। और प्रतिदिन यहाँ जो है ना माता चंडिका जो है ना अभिषेक किया जाता है सुबह का टाइम में। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर है। और जब ये शहर नहीं था ना, तब से ये मंदिर जो है ना है, कहते हैं कि ये सब दुर्ग जो है ना पूरा घाटी था, तब जो है माता रानी यहाँ विराजमान है। यहाँ कुछ नहीं था, जंगली जंगल था इस कारण से। और यहाँ पर दुर्ग शहर के ही नहीं, यहाँ पर देश विदेश से भी और दूर दराज के लोग भी बहुत मतलब श्रद्धा से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत काफ़ी मात्रा पर यहाँ पर नवरात्र के समय में ना भीड़ उमड़ पड़ती है भक्तों की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।